नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसटीएफ न्यूज़ के ऊपर। दोस्तों अभी अभी अशोक तंवर हरियाणा के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने जैसे ही जननायक जनता पार्टी है वो ज्वाइन किए हैं, तो हरियाणा की राजनीति के अंदर एक प्रकार से भूचाल सा आ गया है। सटोरियों के नए आंकड़े वो आ चुके हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों के ऊपर वो विजय हासिल कर रही है, और वहीं पर इनसे बहुत बड़ा वो उलटफेर होने की भी इस चुनाव के अंदर वो संभावना जताई जा रही है। और इस वीडियो के लास्ट के अंदर दोस्तों अपने हॉट सीट के बारे में भी बात करेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार से उलटफेर है वो इस बार होने वाला है। सट्टा बाजार के अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी व हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर 33 सीटों के ऊपर सिमटती हुई नजर आ रही है। जी दोस्तों, जैसे ही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जेजेपी में शामिल हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वो बहुत सीटों के ऊपर बैकफुट पर दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस मात्र 10 सीटों के ऊपर वो सिमटती हुई दिखाई दे रही है। अशोक तंवर के कांग्रेस छोड़ने से लगभग 4 से 5 सीटों के ऊपर वो कांग्रेस को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इन सब का फायदा वो अन्य पार्टियों को मिल रहा है, जबकि अगर जननायक जनता पार्टी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा जननायक जनता पार्टी को हो रहा है। अशोक तंवर के आने के कारण एक बार फिर इनकी पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा वो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, और 41 सीटों के ऊपर विजय हासिल करते हुए जननायक जनता पार्टी दिखाई दे रही है। वहीं पर INLD इस बार वो 2 सीटों के ऊपर वो सिमटती हुई नजर आ रही है, और जिनका मुख्य कारण है इनका शिरोमणी अकाली दल के साथ है वो गठबंधन होना। अन्यथा ये जो अपनी पारंपरिक सीटें हैं उनके ऊपर भी है वो इनका संकट मंडरा रहा है। वहीं पर हॉट सीट की बात करते हैं तो एलनाबाद हलका जो अभय सिंह चौटाला का हलका है, वहां से इस बार भारतीय जनता पार्टी के पवन बनवाल वो बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं रेवाड़ी हलके की, तो रेवाड़ी हलके से इस बार कांग्रेस के चिरंजीव राव है वो जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सबसे मजबूत उम्मीदवार है वो माने जा रहे हैं। वहीं पर हिसार हलके की बात करते हैं तो यहां से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि आदमपुर हलके के अंदर पारंपरिक सीट से अपने कुलदीप बिश्नोई वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर बाडना हलके से जो अजय सिंह चौटाला का हलका रहा है, यहां से नैना चौटाला है वो जीतती हुई दिखाई दे रही है। और जो डबवाली जो हलका की अगर बात करते हैं तो ये भी इनेलो का हलका रहा है, और यहाँ से सरबजीत सिंह है वो जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर अगर बात की जाती है तोसाम हलके की, तो तोसाम हलके से इस बार किरण चौधरी कांग्रेस की वो जीत दर्ज कर रही है, जबकि उचाणा से जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला है वो आसानी से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि भाजपा के सिटिंग MLA प्रेमलता यहाँ से हार का मुंह है वो देख रही है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी।